हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और अंजनाज किचन में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए एक सुपर टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूं, जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। आज मैं बनाने वाली हूं भिंडी एक नए तरीके से। मैंने यहाँ भिंडी ली है, थोड़ा सा बेसन लिया है और एक टमाटर लिया है और एक हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ। अब मैं इस भिंडी को कट कर लूँगी। मैंने साइड से कट कर लिया है, साइड से कट करके निकाल देना है और इसके बड़े बड़े पीसेस में कट करना है। ये देखो, ऐसे पीसेस में कट करना है, इसे छोटे छोटे पीसेस में नहीं कट करना। मैंने सारी भिंडी कट कर ली है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी बेसन। मैंने यहाँ छोटी आधी कटोरी बेसन लिया था, बहुत छोटी कटोरी है। अब मैंने इसके ऊपर बेसन डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी ऐड नहीं करना, खाली ऐसे ही मिक्स। उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है भिंडी में, तो उससे ही वो हो जाएगा। बेसन मैंने घोल लिया है उसमें। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने डाला है ऑयल, ऑयल हो रहा है गरम, ऑलमोस्ट गरम हो चुका है ऑयल हमारा। अब इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने यहाँ, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि मैंने बेसन में भी घोली थी, भिंडी के ऊपर लगाया है जो बेसन। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये भुन गए हमारे मसाले। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। जो मैंने एक टमाटर लिया था उसको मैंने क्रश कर लिया है। अब मैंने इसको भून लेना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से भून लेना है। अब इसमें मैंने हरी मिर्च, जो एक हरी मिर्च ली थी वो कट करके डाल दी है, इसको भी भून लेना है। अब मैं इसमें थोड़ी सी दही डाल दूंगी मैश करके। बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी बनने वाली है आज की। ऐसी भिंडी आपने पहले कभी खाई नहीं होगी, इतनी टेस्टी कि ढाबा भी फेल। अब इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है, दही भी डाल दी है, तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना, थोड़ा सा ही अमचूर पाउडर डालना है इसमें और इसको अच्छे से भुनने देना है मसाले को। मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें जो भिंडी रेडी की थी वो डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देना है, मिक्स करना है मसाले में। मसाले में भिंडी मिक्स हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है। अब बस इसको पकने के लिए रख देते हैं। स्लो गैस पर हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। आधी पक चुकी है, आधी पक जाए तभी आपको नमक डालना है इसमें।
ये देखो कितना ना अच्छा कलर आया है इसका। बहुत ही टेस्टी खाने में, टेस्टी सुपर टेस्टी बनने वाली है हमारी भिंडी। हो गई है रेडी, अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलना। ये देखो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है आज की, इसको ट्राई करना अपने घर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।